अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं। और आज बनाने जा रही हूँ मैं नाश्ते में मसाले वाले जवे या सेवई या कुछ भी बोल सकते हैं आप। रोस्टेड जवे हैं वैसे वो एक्चुअली में, और जो मैं डी मार्ट से लेकर आई थी, दूध में भी मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी। और ये मैंने ऑयल ले लिया था कढ़ाई में, उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है, और थोड़ा सा सॉल्ट भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से मुझे भूनना है, और ये सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद में मुझे काफ़ी अच्छे से काफ़ी देर तक इसको भूनना है। इसकी स्मेल कच्ची जो है मसालों की वो निकल जानी चाहिए। और मैं कुछ देरी से पकाने के बाद में इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर, हरी मिर्च चॉप करके, और हल्दी मुझे कम लग रही थी क्योंकि उसको हल्दी इस रेसिपी में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डलेगी, और मुझे हल्दी वैसे भी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद में मैंने डाले थे कुछ करी पत्ता, और उसके बाद मैंने लिए थे कुछ पीनट्स, जो कि पोहा रमज़ानों में नहीं बन पाया तो ये मेरे पीनट्स ख़राब होने लगे हैं, तो मुझे इन्हें यूज़ करना था जल्दी जल्दी। और इस रेसिपी में भी मैंने ट्राई किया है पीनट्स को इसमें डाल के, और पीनट्स डालने के बाद में और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ये जवे की रेसिपी, काफ़ी टेस्टी लग रही थी। और ये मैंने इसमें डाल लिए हैं, और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं अच्छे से पका लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भी इन मसालों को सभी को अच्छे से भूना है, ताकि टमाटर और प्याज वगैरह जो भी चीज़ मैंने इसमें डाली है वो सभी सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद में मैंने कुछ देर के लिए कर दिया था लिड लगा के कवर, थोड़ी सी स्टीम देनी थी मुझे ताकि मसाला तेल छोड़ दे और अच्छे से भुन जाए। और बीच बीच में मैं पानी भी पीती रहती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है बीच बीच में जब कुकिंग करती हूँ, तो कुकिंग करते टाइम 3 से 4 बार मैं पानी पी लेती हूँ। और जिस तरह से अब गर्मी पड़ रही है तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और उसके बाद में मसाला मेरा हो गया था कंप्लीट, भून चुका था, मैंने गैस को कर दिया था लो फ्लेम पर। और उसके बाद में ये हरा धनिया मैंने अच्छे से वॉश करके इस बॉक्स में डाल के रखा है ताकि ये ख़राब ना हो, कुछ टाइम तक चल जाए, लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, वरना तो अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो 2 दिन में ख़राब हो जाता है। और इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया है, देखो एकदम फ्रेश निकला है हरा धनिया। और उसके बाद में मैंने कट करने लगी हूँ उसे, और अच्छे से एक बार फिर से मैंने वॉश कर लिया है, जो कि मेरी आदत है, बट ये वॉश करके मैंने रखा था और फिर भी मैंने एक बार इसको धोया है। और फिर मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, ये देखें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने गार्निशिंग के लिए कट करके रख रही हूँ हरा धनिया, और मैंने इसको एक साइड पर रख दिया है। और ये मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, मैंने 2 बार इसमें पानी डाला था और अच्छे से इसको भूना है। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, और जितने हमें जवे लेने हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी पानी की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर पानी हम डाल देंगे तो जवे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, घुट जाएंगे, चिपक जाएंगे आपस में और खिले खिले नहीं बनेंगे, इसलिए पानी की क्वांटिटी हमें ठीक रखनी है। और मैंने इसमें पानी डाल लिया है, और इस पानी को मैं अच्छे से बॉईल आने दूंगी पहले। और इतने में टॉप काउंटर को करने लगी थी क्लीन, थोड़ा ऐसे होता है कि कभी हम मसाले वगैरह ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत कोई मसाले या सॉल्ट वगैरह गिर जाता है टॉप काउंटर पे, तो मैं उसी को क्लीन करने लगी हूँ। और यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था तो मुझे सॉल्ट काफ़ी कम लगा था क्योंकि मैंने पानी ऐड किया था, तो मैंने सॉल्ट और डाल लिया है। फिर टेस्ट मैंने एक बार और किया था तो सॉल्ट फिर भी मुझे कम लगा था, तो
तो थोड़ा सॉल्ट हम इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे, और सॉल्ट भी हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और मैंने मिर्ची भी इसमें ऐड की है, लाल मिर्ची, और हरी मिर्ची भी मैंने कट करके फ्राई की थी शुरू में, तो हरी मिर्ची भी मैंने डाली है, लाल मिर्ची इसलिए मैंने कम डाली थी। और ये ले लिए हैं मैंने जवे जो कि रोस्टेड हैं, और उसके बाद में पानी को अच्छे से मैंने बॉईल आने दिया है, काफ़ी अच्छा बॉईल आ चुका है ये देखें। और उसके बाद में ये जवे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे, और उसके बाद में थोड़े से जवे और बच गए थे तो मैं इन्हें अच्छे से एक बार चेक कर रही हूँ कि कोई चीज़ इसमें ना हो, अच्छे से साफ़ सुथरे थे ये पैकेट वाले जवे थे। और मैंने ये सभी डाल के और अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है, क्योंकि सॉल्ट हम अभी इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर सकते हैं, बाद में हम सॉल्ट इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सॉल्ट अच्छे से टेस्ट करने के बाद परफेक्ट इसमें डाला था टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये वाले जवे हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, और ये मैंने एयर टाइट करके रखे थे, पैक करके रखे थे, और मेरा बॉक्स हो गया है, डब्बा हो गया है खाली। तो मैं दूध वाले जवे बनाती हूँ मॉर्निंग टाइम में, तो इसलिए मैं इसमें और इसलिए पैकेट वाले जवे मैंने बॉक्स में डाल लिए हैं, और अब मैं इन्हें इजीली यूज़ कर सकती हूँ। और एयर टाइट करके मैं पैकेट्स को रख देती हूँ, जो पैकेट बच जाते हैं उन्हें, और फिर से उन्हें डब्बे में फिल कर लेती हूँ। और ये देखें बहुत ही ज़्यादा खिले खिले ये जवे बनकर रेडी हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी टेस्टी लग रहे थे, ये काफ़ी टेस्टी बने थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये देखें देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं, और खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और मैंने थोड़े से ही बनाए थे जो कि हमें नाश्ते में खाने थे, इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए थे। और पीनट्स का भी टेस्ट इनमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा था, और ये काफ़ी टेस्टी रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए, और एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आए थे ये मसाले वाले जवे, और काफ़ी टेस्टी इसकी रेसिपी है, और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं हमारा जाता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, जो कि मेरे हस्बैंड को मेरे बेटे को पीनी थी चाय, और ये मैंने साथ में ही बनाई थी उसके थोड़ी देर बाद। और मैंने शक्कर वाली चाय बनाई थी, मैं अपने हस्बैंड के लिए मोस्टली शक्कर वाली चाय ही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को शक्कर वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये चाय हमारी बनकर हो गई है रेडी, और उसके बाद मैं पूरी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में, आज मैंने क्लीनिंग आपके साथ शेयर नहीं की है, उसके बाद नमाज वगैरह से फारिग होकर मैं पढ़ने लगी थी कुरान, और उसके बाद में और सभी काम करने के बाद और खाना वगैरह दोपहर का हम दोनों ने खा लिया था, मेरे बेटे ने और मैंने, और उसके बाद में शाम का टाइम हो गया था, मेरे ट्यूशन के बच्चे जा चुके थे, और बच्चों के ट्यूशन से जाने के फौरन बाद से मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद में मैंने फ्राई कर ली हैं कुछ प्याज, और एक प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको अच्छे से कट उसको रफली चॉप किया था मैंने, उसके बाद में मैंने उसे हल्का सा फ्राई कर लिया था, ज़्यादा डार्क मुझे फ्राई नहीं करना था, तो मैंने इसको गैस की फ्लेम को लो रखा था, और उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दी थी भिंडी जो कि कट करके रखी थी मैंने, और भिंडियों को मैं अच्छे से पहले अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, कम से कम 5 मिनट तक के लिए मुझे इन्हें करना था फ्राई। और जो इनके अंदर एक
चिपकन रहती है जो इनके अंदर एक राला टाइप होता है कुछ, तो वो मुझे ख़त्म करना था यहाँ पर इसको, इसलिए मैंने कुछ देर तक फ्राई किया है ताकि वो जो इसका चिपकन है वो ख़त्म हो जाए और सारी भिंडियों में वो मैशी मैशी सी ना हो वो, इसलिए मैंने अच्छे से इसे फ्राई कर लिया है और ये जो इसमें चिपकन है ये ख़त्म हो जाए जब तक मैंने इसको फ्राई किया है। ये देखें, ये काफ़ी हद तक चिपकन इसकी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद में मैंने ऐड किया इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैंने ज़्यादा ऐड किया है, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया था, और सॉल्ट, और मैंने रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड किया था, और अच्छे से फिर से मैंने एक बार इसको मिक्स कर लिया था। और सबसे पहले मैंने ऑनियन के साथ में भिंडी को फ्राई किया था, तभी वो हाफ कुक हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए और मुझे भिंडी को रखना है। मैंने थोड़ा सा लेमन इसमें ऐड किया है, हाफ लेमन मैंने इसमें ऐड किया है, मुझे ज़्यादा खट्टा नहीं करना था भिंडी को, इसलिए मैंने हाफ लेमन कट करके ही इसमें ऐड किया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद और मैं इसको कर दूंगी कवर। मैं इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करती हूँ भिंडी में। हाँ, अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो थोड़ी सी आप दही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और भिंडी को एक साइड पर रख के मैंने दूसरी साइड में एक पैन ले लिया था और यहाँ पर ले ली थी मैंने भिंडी इस तरह से कट करके, बीच में से मैंने कट किया था। और मैं मुझे बनानी थी भरवा भिंडी, तो मैंने लिया था आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और नमक और थोड़ी सी मैंने पीली मिर्च इसमें ऐड की थी। और अच्छे से इन सभी को मिक्स करने के बाद मैंने भिंडी को फिल कर लिया था मसाले से, और मैंने जो पैन में ऑयल डाला था और उसके साथ मैंने ज़ीरा डाल के कुक किया था, ब्राउन कर लिया था ज़ीरे को, और उसके साथ में मैंने इन भिंडियों को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है और हल्के से फ्राई करना है ताकि जो हमने मसाला इसमें फिल किया है वो बाहर ना आए। और इसमें भी मैंने बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं किया है और इसको मैंने रख दिया है स्टीम पर और लो फ्लेम करके, और इन्हें मुझे भाप में ही पकाना था और ये अभी ठीक से अभी नहीं कुक हुई थी तो मैंने दोबारा से इसको कवर किया है। और फिर से मैं कुछ टाइम के लिए इसे कुक कर लूँगी अच्छे से। और ये वाली भिंडी, भरवा भिंडी, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए बनाई थी ये वाली भिंडी, और इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी बनाई है दोनों तरह की। और ये वाली स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है भरवा भिंडी, तो ये देखें। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आती है ये वाली भिंडी, इसी टाइप से मैं बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होती हैं। और मैं एक्स्ट्रा कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं करती हूँ जिससे ज़्यादा एसिडिटी वगैरह हो, और स्पाइसी मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। मिर्ची मैं अपने अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा, हम मिर्ची कम खाते हैं, हम ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं। और ये उन वाली भिंडी से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की भिंडियाँ बनाई थी मैंने, बट इसमें भी मिर्ची मैंने काफ़ी कम, चिली पाउडर मैंने ऐड किया था, मैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें बनाना पसंद नहीं करती हूँ। और ये मसाला भिंडी मैंने बनाई थी और ये भी काफ़ी अच्छी बनकर रेडी हुई थी, काफ़ी टेस्टी ये लग रही थी। और मुझे एक हरी मिर्ची वाली भिंडी भी ज़्यादा पसंद है, बट ये वाली मेरे हस्बैंड को पसंद है मसाले वाली दोनों टाइप की, और ये भरवा भिंडी तो उनकी फेवरेट हैं, तो मैंने इस टाइप से बनाई थी और ये काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा मज़े की ये बनकर तैयार हुई थी। तो बनाइएगा ज़रूर एक बार। और उसके बाद में मैं बनाने लगी थी रोटियां, और रोटियां मेरी रह गई थी बनाने के लिए, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी। और मेरी कोशिश ये होती है जब मेरे हस्बैंड साइड से आएँ, काम पर से आएँ, तो मैं फ़ौरन से उन्हें खाना रेडी करके दे दूँ। अभी मैं कुछ दिन से लंच वगैरह नहीं दे पा रही हूँ उन्हें, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन्हें हैवी नाश्ता कराकर भेजूं, नाश्ते में कुछ हैवी बनाकर मैं उन्हें खिलाकर भेज देती हूं, ताकि फिर शाम में मैं इसलिए रोटी वगैरह जल्दी से अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूं और उनको आते के साथ ही मैं खाना फौरन से दे देती हूं।
इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद फ़ौरन से रोटियां बना ली थी, और भिंडियाँ मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि उनकी फेवरेट भी थी। और उसके बाद में ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का मेरा ब्लॉग था। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर कपड़े ये धोए थे, और उसके बाद मैंने नहा भी लिया था, और मैंने डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी, और उस सबसे बाद में मैंने नहाया था। और ये काफ़ी सारे कपड़े मेरे इकट्ठा हो गए थे, और हाथ से भी मैं धो रही थी डेली डेली, बट फिर भी इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे। जब भी मशीन लगा लेते हैं तो और भी बाकी के सारे कपड़े हमें दिखाई देते हैं कि इसको भी धोना है, टॉवल ले लेते हैं, बेडशीट्स वगैरह काफ़ी सारी जमा हो जाती हैं, इसलिए मेरे काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और बेडशीट भी मेरी 3 पड़ी हुई थी धोने के लिए, तो और मेरे बेटे की यूनिफॉर्म वगैरह थी, और मेरे भी कपड़े थे और मेरे हस्बैंड के भी, और बेडशीट्स भी थी, टॉवल भी थे, तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे। और यहाँ पर स्पेस हो गया था फुल, तो जो नेबर्स हैं हमारे सामने वाले, तो उस छत पे मुझे डालने थे कुछ कपड़े, बाकी जो बचे थे बेडशीट्स थी, 3 बेडशीट्स थी, तो वो मुझे डालनी थी, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। और अगर आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।